ये भी जानते हैं कि महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1025 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, 1027 तक। मेरे भाई दोबारा देखो, 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। ये कहाँ का रहने वाला था? ये गजनी का रहने वाला था। इसके पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन था। आप जानते हैं जो इसका सबसे फेमस अटैक था, वो सबसे फेमस अटैक कौन सा है? 1025 का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। किस पर मेरे भाई? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। यानी कि सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था वो कब किया गया था? तो आप बताएंगे 1025 में सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया गया था। ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को इस बारे में पता होना चाहिए कि सोमनाथ मंदिर पर अटैक कब किया गया था, 1025 में किया गया था। और आपको बता दूं 1027 में इसने अंतिम युद्ध में जाटों को पराजित किया था, यानी कि 1027 में इसका अंतिम युद्ध था। कौन सा भैया? अंतिम युद्ध जो इसने कब किया था? 1027 में किया था। आप ये भी जानते होंगे 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यदि कॉन्स्टेबल लेवल का पेपर होता तो सवाल ये वाला जरूर पूछा जाता है कि बताइए इसने 16वां अटैक कब किया था। आप दे रहे हैं 10+2 वाला जवाब क्वेश्चन, मतलब 10+2 वाली तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इसका अंतिम युद्ध कौन सा था, अंतिम युद्ध में इसने किसको पराजित किया था। तो भाई साहब मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है। आप जानते हैं महमूद गजनवी ने अपने सारे आक्रमण मंदिरों पर किए थे, मूर्ति तोड़ा करता था, इसीलिए इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। ये मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर दिया करता था, इसलिए इतिहास गवाह है इस बात का कि इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो भैया ये तो मैं अभी आपको बता के आया हूं, जस्ट अभी पिछले वाले सवाल को हम बता के आए हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए थे। अभी तो बता के आया हूं भैया कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार अटैक किए थे। कितनी बार किए थे? 17 बार। इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं रही भाई, अभी तो आपको क्लियर करा के आया हूं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? इसकी ऐसी लव स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि आप जिंदगी में सारी चीजें भूल सकते हो लेकिन कभी भी आप रजिया सुल्तान के बारे में नहीं भूलेंगे। बताओ बच्चों आनंद आ रहा है नहीं? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहिएगा जरूर, ये आपसे विनती है। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो आप जानते हैं जो 1236 से लेकर 1240 तक रही थी, नाम क्या हुआ करता था भाई साहब? नाम था रजिया सुल्ताना। क्या होता भैया? रजिया सुल्ताना। आप लोगों ने खूब सुना होगा कि रजिया गुंडों में फंस गई, आपने सुना होगा कि रजिया गुंडों में फंस गई, ऐसा हकीकत में हुआ है। रजिया इसके पिता का नाम हुआ करता था इल्तुतमिश। रजिया के पिता का नाम हुआ करता था इल्तुतमिश। क्या हुआ करता था भैया? इल्तुतमिश। और यह भी मैं आपको बता दूं जो इनका पति हुआ करता था, पति का नाम था अल्तुनिया। पति का नाम क्या था भैया? अल्तुनिया। ये अपने पति के साथ कैथल में घूम रही थी। कहां घूम रही थी? कैथल में घूम रही थी अपनी सेना के साथ, सेना पीछे थी। और ये रात को आराम करने लगते हैं, मतलब अपना डेरा डाल देते हैं और रात में रुक जाते हैं। तो होता क्या है भाई, जब चार आदमी एक को घेर लें तो भैया सीधी सी बात है, कहते हैं रजिया गुंडों में फंस गई। उस समय रजिया अपने पति के साथ अकेली थी हरियाणा के कैथल में। हरियाणा के कैथल में 1240 में इसकी हत्या हो गई। यानी कि आपसे पूछेगा रजिया सुल्ताना की मृत्यु कहां पर हुई थी? कैथल में। कैथल कहां पड़ता है? हरियाणा में। किसने की थी आज तक नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इसके भाई बैराम शाह के कहने पर जो 40 गुलामों का दल था उसमें से ही किसी ने कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए भाई साहब, ये रहा चौथा सवाल, क्या कहता है? ओहो, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला या सिकंदर एहसानी कहने वाला कौन व्यक्ति था? सुल्तान का नाम बताइए जो अपने आप को सिकंदर एहसानी कहा करता था, यानी कि सिकंदर के समान। बताओ बच्चे कौन था वो? बताओ भैया
कौन था व्यक्ति जो अपने आप को क्या कहता है कि मैं भी भाई साहब सिकंदर हूं, मैं भी सिकंदर के समान हूं। आप जानते हैं सिकंदर के बारे में यदि हम बात करें तो सिकंदर भारत में मात्र 19 महीने रहा था। आप यदि अलेक्जेंडर की बात करें, सिकंदर की बात करें, तो सिकंदर बेटा जो मकदूनिया का शासक हुआ करता था ये भारत में सिर्फ 19 महीने रहा था। और किसी इतिहासकार ने कहा था कि सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। सिकंदर का एक बड़ा फेमस युद्ध है जो पेपर में कई बार पूछा जाता है, जिसने 326 ईसा पूर्व एक युद्ध लड़ा गया था, हाइडे स्पीच का युद्ध। कौन सा युद्ध भैया? हाइडे स्पीच का युद्ध, या इसी को कहा जाता है झेलम का युद्ध, या इसी को कहा जाता है वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध, इस युद्ध में भाई साहब राजा पोरस हार गए थे। राजा पोरस पंजाब के राजा हुआ करते थे। राजा पोरस भी लिखा हुआ आ सकता है, राजा पुरु भी लिखा हुआ आ सकता है, ये हार गए थे। बात क्लियर है? अगला पॉइंट देखिएगा। लेकिन ऐसा एक शासक हुआ था जो अपने आप को कहता था कि मैं भी दूसरा सिकंदर हूं। सिकंदर की खास बात यह थी, जैसे गांव में जब आप कभी खेलते हो कोई सा खेल, तो बच्चे क्या कहते हैं आपस में कि जो जीता वही सिकंदर, भैया पुत्ता वही लेके आएगा जो पकड़ा जाएगा या जो जीता जाएगा, ऐसे कहते हैं ना। तो मेरे भाइयों आप जरा सुने इस बात को, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो 1296 में शासक बना, और कब तक रहा था? 1296 से लेकर ये 1316 तक रहा था। इसने ही अपने आप को क्या कहा था? अपने आप को दुस्त्य सिकंदर कहा था, और यही भारत में बहुत सारे अटैक करेगा। गुरचिम, गुरचिम का मतलब क्या होता है बेटा, अब आप देख लेंगे। इसने भी बहुत कम युद्धों को ये हारा था। इस गु का मतलब होता है गुजरात, इस रे का मतलब होता है रणथंबोर, इस ची का मतलब होता है चित्तौड़, इस मै का मतलब होता है मालवा। यानी कि इसने जो ये युद्ध किए थे, अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों को याद करने की ट्रिक जो आपके सामने लिख रही है, गुरचिम, गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा, यह सभी युद्धों को जीत गया था। इसी ने अपने शासनकाल में बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी। बाजार व्यवस्था प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तब भी आपका जवाब अलाउद्दीन खिलजी होगा। तब भी आपका जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बचपन का नाम अली गुरसप हुआ करता था। अगला देखिए, दक्षिण विजय करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा? भाई अब तू जा, देखिए जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत पर राज करके आनी है, भाई तू जा, ये दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करके आ। मतलब ये वाला जो भारत है, इस भारत को मैं कौन सा नाम दे रहा हूं? दक्षिण भारत। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहां एक व्यक्ति को भेजा, भाई यहां से लेके और यहां तक जीत, जहां तक भी जा सकता हो जीत, बस दक्षिण भारत को जीत के आ। तो ऐसा बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के बहुत सारे हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह क्या थी मेरे भाई? वजह हुआ करती थी उसकी कौन? मलिक काफूर। क्या हुआ करती थी? मलिक काफूर। मलिक काफूर के बारे में हम बताएं आपको, ये एक किन्नर था, इसे 1000 दीनार में खरीदा था, इसे 1000 दीनार में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दीनारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसीलिए इसे 1000 दीनारी कहा जाता है। क्लियर है ये वाली बात? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे 1000 दीनारी कहा जाता है। आपके पेपर में आ गया तो 100% आपका बिल्कुल सही जाएगा, 100% आपका बिल्कुल सही जाएगा। अगला देखिए, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफाओं का इंकार मानने से मना कर दिया था? वो भी कौन था भैया? खलीफाओं का अधिकार मानने से इंकार करने वाला भी कौन था? कितना जबरदस्त सवाल पूछा है भैया। वह कौन व्यक्ति था जिसने खलीफाओं का अधिकार मानने से इंकार कर दिया था? कौन बच्चा बताएगा भैया? आपके सामने खड़े हैं, कौन बच्चा बताएगा इस प्रश्न का जवाब? कौन बच्चा बताएगा भाई इसका जवाब? जल्दी बताइएगा। खलीफाओं का अधिकार मानने से किसने मना कर दिया था? वह कौन व्यक्ति था जिसने खलीफाओं का अधिकार मानने से मना कर दिया था? बोलो भैया। देखो मेरे दिल के टुकड़ों, आपको फिर बता देना चाहता हूं, आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था? मेरे भाई अलाउद्दीन खिलजी, आप आंख बंद करके लगा लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति था जिसने सबका अधिकार मानने से मना कर दिया था। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये कब से कब तक रहा है? ये रहा आपका 1296 से लेकर 1316 तक रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लो भैया,
अगला पॉइंट कौन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। बोलो बच्चों, बोलो मेरे भाई, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब, जल्दी आपके सामने लिख रहा है। देखिए, यदि मैं बात करूं आपके सामने, यदि मैं आपके सामने तीन चार बातें करूंगा, वो सारी इंपोर्टेंट है, आप जरा देख लीजिएगा। पहला पॉइंट तो ये कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल था। मेरे भाई सुनो जरा, यदि मैं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूं, भाई साहब मंडे का दिन है, सुबह सुबह का समय है, ऐसा मत करो जैसा तुम लोग कर रहे हो, ना वीडियो को लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो, फिर क्यों कहते हो गुरुजी इतिहास का टेस्ट ले लो, हम तुम्हारे अपने हैं, काहे के अपने हो तुम यार, ना किसी ने शेयर किया है ना किसी ने लाइक किया है, हद होती है यार इंसानियत की। देखो मेरे भाई, मत करो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लो बस, आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक ही वॉज फेलियर, क्यों फेलियर हुआ भाई साहब, मोहम्मद बिन तुगलक फेलियर क्यों हुआ। तो पहला पॉइंट सुनिएगा कि ये कब शासक बना, 1325 से लेकर 1351 तक, यानी कि 26 साल तक ये राजा रहा। ये कौन से वंश का था, तुगलक वंश का था। तो तुगलक वंश में भाई साहब इसके समय में सबसे अधिक विद्रोह हुए, पहली बात तो ये, इसके समय में सबसे अधिक विद्रोह हुए थे। आपको बता दूं, सबसे अधिक विद्रोह इसी के समय में हुए थे, सबसे अधिक विद्रोह। और आपको बता दूं मेरे भाई, सबसे अधिक विद्रोह वो कौन कौन से हुए थे, तो बताऊं आपको, टोटल विद्रोह हुए थे 34, जिसमें से 7 हुए थे उत्तर भारत में, ठीक है, और 27 हुए थे आपके दक्षिण भारत में। तो कुल मिलाकर इसके समय में 34 विद्रोह हुए थे। और आपको बताएं, यह एक भाई साहब पागल तो था नहीं, पागल तो कहते हैं इसको, यह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था, यह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। आप जानते हो इसने अपने जीवन काल में 5 काम किए थे, कितने काम किए थे, 5, और वो पांचों ही काम गलत हो गए। बेचारे ने 5 काम करे, जैसे तुम 5 बार फार्म भरो, 5 बार कोई बच्चा फेल हो जाए तो गांव वाले भी उसको कहते हैं भाई यू ना कर पाएगा कुछ भी। इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने जीवन काल में 5 काम किए थे और 5ों ही काम वो बेचारे के असफल रहे। 5 बार फार्म भरा था, 5ों बार फेल रहा, इसलिए इसने कहा भाई मैं अब ना करूंगा इस काम को, नहीं हो पाएगा। तो ये एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। अगला पॉइंट, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया था, बताओ बच्चों। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन व्यक्ति था मेरे भाई, जल्दी बताइएगा। पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि जजिया कर क्या होता है। तो सारी पॉइंट मैंने आपको बताए थे, 5 पॉइंट आपको लिखवाए थे कि पेपर छोटा हो या बड़ा, जजिया कर पे इससे फालतू सवाल नहीं आते हैं। जजिया कर पे सिर्फ ये 5 सवाल पूछे गए हैं, इससे फालतू सवाल नहीं आता है। जिसमें पहला ही सवाल मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जजिया कर, यदि मैं पहला ही सवाल आपको बता दूं जजिया कर, मैं पूरी डिटेल यहां पे लिख देता हूं जजिया कर की। तो जजिया कर मेरे भाई क्या था, ये पहले सुन लीजिएगा, ये गैर मुस्लिम कर था। जजिया कर कैसा कर था, ये गैर मुस्लिम कर था, एक एक बात पर ध्यान देंगे, ये एक गैर मुस्लिम कर था। मतलब यदि आप हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, तो आपको ये कर देना पड़ेगा। और यदि आप मुसलमान बनते हो, मुसलमान बनकर रहते हो, तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसे भारत में सबसे पहले किसने लगाया था, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं बच्चों, सबसे पहले भारत में इसे किसने लगाया था, सबसे पहले भारत में इसे मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था भैया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। लेकिन यदि बात करें ब्राह्मणों की, किसकी बात करें, यदि बात करें ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, ब्राह्मणों पर किसने लगाया, तब आपका जवाब यहां FST आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, FST। लेकिन एक कुछ समय उपरांत यहां पर मुगल साम्राज्य शुरू होगा और उसमें एक व्यक्ति होगा अकबर, उसमें एक बादशाह होगे जिसका नाम था अकबर।
अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। क्या कर दिया भैया? अकबर ने इसे समाप्त कर दिया कि कोई किसी पर भी क्या नहीं लेगा, जजिया कर नहीं लेगा। ठीक है, अगला काम ये हुआ भाई साहब, फिर एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था औरंगजेब। कौन आया भैया? औरंगजेब। औरंगजेब ने फिर से स्टार्ट कर दिया, फिर से स्टार्ट कर दिया, औरंगजेब ने फिर से स्टार्ट कर दिया। और हाँ, इसको समाप्त कर देगा मेरे भाई कौन? इसको पूरी तरीके से मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला पूर्णतः समाप्त कर देगा। अब बच्चों एक बात बताओ, जो भागने वाले हैं वो तो भाग जाएंगे, और जिनको पूरा आनंद लेना है, ये पांच पॉइंट बता रहा हूं, चाहे कांस्टेबल की तैयारी करो, चाहे फिर आपका किसी अपर एग्जाम की तैयारी करो, यदि जजिया से सवाल आएगा तो यही सवाल आने वाला है, इससे फालतू जजिया से सवाल नहीं आएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। यदि आपने ये बात लिख ली तो मैं गारंटी से कह सकता हूं जजिया पर इससे कब एक छोटा सवाल नहीं पूछा जाएगा, या इससे अलग नहीं पूछा जाएगा। तो ब्राह्मण पूछ रहा फिरोज शाह तुगलक। अगला देखो भैया, अगला सवाल ये है, किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयोग किया था? भाई सती प्रथा ना हो भारत में, ऐसा किसने शुरू किया था? सती क्या होती है? तो मैं दोनों चीज आपको बता देना चाहता हूं। एक होती है सती प्रथा, एक क्या होती है भैया? एक होती है सती प्रथा, और एक दूसरी होती है जोहर प्रथा। दो होती है ये, एक होती है सती प्रथा, एक होती है जोहर प्रथा। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में दो प्रथा चली करती थी जो बिल्कुल गलत प्रथा हुआ करती थी। मैं इन प्रथाओं का विरोध करता हूं, मैं इन प्रथाओं से थोड़ा सा अलग रहना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी समाज की क्यों ना हो। देखिए, सती प्रथा क्या थी? यदि किसी महिला का पति की डेथ हो जाए या पति एक्सपायर हो जाए तो पत्नी भी इसके साथ जलती थी। जब पत्नी इसके साथ जलती थी तो यही कहलाती थी सती प्रथा। अब यहां पर सिर्फ एक पति के साथ एक महिला जलती थी, लेकिन जोहर प्रथा में क्या हुआ करता था? मैंने एक बार एक लड़की से पूछी थी, मैं टेट का पेपर पढ़ा रहा था, मैं नाम नहीं बता सकता किससे पूछी थी, वरना वो सुन के कहेगी भैया हमें वहां तक भी प्रचार कर दिया। उस लड़की ने मुझे जवाब दिया था कि सती प्रथा और जोहर प्रथा में अंतर होता भैया, सती प्रथा होती है जो अपने पति की गैल फूक के मरे वो सती प्रथा, और जो दूसरे की गैल फूक के मर जाओ जोहर प्रथा। मैंने कहा जी कहां पढ़ के आई हो? अरे कहां पढ़ ली तुमने, डेफिनेशन किसने पढ़ाई है? तो कह रही भैया हमने यही पढ़ी थी। हमने कहा इसको चेंज कर लो। चेंज कैसे करेंगे? देखो भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं दूसरा का पति मर गया मैं तो वही मरूंगी इस गल, ऐसा नहीं। जब एक रानी जलती हो या एक पत्नी जलती हो तो सती प्रथा, और जब एक से अधिक जलती हो, आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा रानी पद्मावती ने जोहर की थी, तो एक से अधिक दो तीन चार कितनी भी महिलाएं जब एक जगह बैठकर सामूहिक रूप से जलती हैं तो वो जोहर प्रथा कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि अब सब आप बच्चे समझ गए होंगे कि सती प्रथा और जोहर प्रथा क्या होती है। क्लियर हुआ बच्चों? सती प्रथा और जोहर प्रथा क्लियर है? एक बार थम्स अप तो कर दो यार, आज तुमसे नाम क्या नहीं ले रहा, ना लाइक कर रहे ना शेयर कर रहे, हद होती है। चलिएगा, तो मेरा कहने का मतलब यह था भाई साहब, वो व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक, इनने कहा भाई समाज में ये जो प्रथा चल रही है ये गलत प्रथा है, किसी को मारने से भाई ऐसा काम मत करो यार, ताकि किसी को मारना पड़े, वो अपना जीवन जीना चाह रही है यार, जीवन जीने दिया जाए उसको। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस काम को किया था। भारत में सबसे पहला जो सती प्रथा का उल्लेख माना जाता है वो 510 के एरन अभिलेख से माना जाता है। कहां से माना जाता है भैया? भानुगुप्त के 510 के एरन अभिलेख से माना जाता है। बात क्लियर होगी? यानी कि मेरे भाई ये जो आपका उल्लेख माना जाता है वो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से माना जाता है। बात क्लियर होगी? दूसरी बात यदि हम उग्र करना चाहें मेरे भाई, दूसरी बात यदि हम और करना चाहें वो भी सुन लीजिएगा, ये एरन अभिलेख भी हो गया। अब आपको बताएं इसे भारत से कब समाप्त किया गया, तो सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी ने इसे समाप्त किया था, जिसमें सहयोग किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा
इसका क्या किया गया मेरे भाई, सहयोग किया गया था। अगला पॉइंट देखो, इबन बतूता, ओ तेरी की, इबन बतूता कहां से आया था, नाम देख रहे हो तुम यहाँ का क्या है, इबन बतूता, अरे बतूते, इबन बतूता, ता ता बताओ रे, ये ता है, का है, ये कहते हैं का है। तो इबन बतूता की हम बात करते हैं, ये कहां का रहने वाला था, तो भैया जी आपको बता दें, ये मोरक्को का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, मोरक्को का। मोरक्को कहां पड़ता है आपको बता दें हम, मोरक्को आपका पड़ता है अफ्रीका में। कहां पड़ता है, मोरक्को पड़ता है आपका अफ्रीका में। आपको बता दें भाई साहब, ये किसके दरबार में आया था, किसके दरबार में आया था, तो ये आया था एमबीटी के दरबार में। एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक। आपको बताएं, इसने एक बड़ी फेमस बुक लिखी थी, इसमें एक बड़ी फेमस बुक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम हुआ करता था रोहेला। क्या नाम हुआ करता था, रोहेला। अब आपको पढ़ाने के बाद एक सवाल पूछ रहा हूं, इस रोहेला पुस्तक में किन बातों पर विशेष बल दिया गया था, किन बातों पर विशेष बल दिया गया था, तो वो बात थी तीन, एक दो और तीन, जो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होगी कि भाई वो बात कौन सी थी। आपने पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ लिया है, आज पूरे मध्यकालीन भारत का ये टेस्ट चल रहा है, यानी कि आपने जहां तक पढ़ा वहां तक उसका टेस्ट चल रहा है, आपके कहे होने के बावजूद कि भैया टेस्ट ले लो। अगला देखिए, अगला है, बाबर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। आप सभी जानते हैं बाबर ने भारत पर किस वर्ष अटैक किया था, तो मेरे भाई कैसे भूल सकते हो आप, पानी खाओ चंदा घुमाओ, कैसे भूल सकते हो आप, पानी खाओ और चंदा घुमाओ। ये ट्रिक कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे कि बाबर की एक ट्रिक हमने पढ़ी थी जो हमें आज तक याद है, पानी खाओ चंदा घुमाओ। मतलब समझते हैं आप, मतलब है पानी का मतलब पानीपत, मतलब है भाई मेरे पानी का मतलब पानीपत है, और मेरे भैया एक एक सुच्चा सुनता रहेगा, खाओ का मतलब खानवा है, ठीक है, चंदा का मतलब चंदेरी है, घुमाओ का मतलब घाघरा है। मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब ये है कि बाबर ने भारत में चार अटैक किए थे, पानीपत का युद्ध 1526 में किया, ठीक है भैया, इसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में किया, चंदेरी का युद्ध 1528 में किया, घाघरा का युद्ध 1529 में किया, और बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। यानी कि बाबर बेचारा जब तक भारत में रहा उसे हर साल एक युद्ध करना पड़ा, और बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को खुद लिखा था, यानी कि बाबर की आत्मकथा का नाम, यदि कोई आपसे पूछता हो कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तब आप सभी बच्चों का जवाब आ जाएगा बाबरनामा। क्या जाएगा भैया, बाबरनामा। और ये बाबरनामा को किसने लिखा था, बाबर ने स्वयं लिखा था, किसने लिखा था, बाबर ने, ठीक है। तो भैया आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1526। सब कुछ क्लियर हो गया बच्चों, मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, अब कोई क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन में आपको पूरी थ्योरी बता रहा हूं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक शेयर करते रहो यारो। अगला देखिए, जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी, जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो भाई साहब आपको ये भी पता होगी, नहीं, सवाल दूसरा है, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, वह है हुमायूं 13 वर्ष, सॉरी उत्तराधिकारी 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। अरे यार आप सब जानते हैं, यदि मैं बात कर रहा हूं अकबर की, यदि मैं बात कर रहा हूं अकबर की, तो अकबर का जन्म हुआ 1542 में। जन्म कब हुआ, 1542 में। कहां पर हुआ, अमरकोट के एक राजा हुआ करते थे, अमरकोट के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था वीरसाल। अमरकोट के राजा हुआ करते थे वीरसाल, जिनका यहां पर इनका जन्म हुआ था। अब जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, 1556 में, और कहां से गिरकर हुई थी, दीन पनाह नगर की सीढ़ियों से गिरकर, दीन पनाह नगर की सीढ़ियों से गिरकर, दीन पनाह नगर की सीढ़ियों से गिरकर क्या हुई थी भैया, इसकी मृत्यु हुई थी। यहां तक किसी को कुछ कहना हो तो बता देना भाई साहब। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका अकबर। अगला पॉइंट ये रहा, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में हुई थी। बोलो भैया, सारे सवाल पढ़ा रखे हैं आपको, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी, जवाब दो। मजा ना आ जाए तो कह देना, आज मजा ना आ जाए तो कह देना बच्चों।
बोलो भैया जल्दी से यार, समय है आपके पास। समय है आपके पास, बोलो भैया। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? अरे सब जानते हैं, पानीपत की तीन लड़ाइयां हुई थी या तीन युद्ध हुए। पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा 1556 में अकबर और हैमू के बीच, तीसरा 1761 में मराठे व अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो भैया अकबर और हैमू के बीच में हुई थी, कब? 1556 में, ठीक है मेरे दोस्त, जिसमें अकबर जीत गया था। अगला पॉइंट देखिए, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करता था? जब भी धर्म से रिलेटेड कोई बात हुआ करती थी तो अकबर अलग बैठकर इन बातों को किया करता था, सबके सामने इन बातों को नहीं किया करता था। और वो आप कहते हैं ना अल्लाह की इबादत किया करता था, वो भगवान की इबादत किया करता था। वो कहाँ पर? वो किया करता था इबादत खाने में, यानी कि ये अपने भगवान को पुकारा करते थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, प्रयाग नगर को अलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? आप जानते हैं कि वर्तमान समय में इस अलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट तो आप ये सुन लीजिएगा। आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि जो अल्लाह का नगर नाम है ये दिया था आपके अकबर ने। किसने दिया था भैया? अकबर ने। लेकिन इसे फिर से प्रयागराज, पहले प्रयागराज हुआ करता था, यानी कि पहले प्रयाग नगर हुआ करता था। क्या था? प्रयाग नगर। उस प्रयाग नगर को अलाहाबाद, जिसे फिर इलाहाबाद के नाम से जाना गया, लेकिन अब उसे वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? उसे प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखो, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन हुआ करता था? यानी कि अकबर का, यदि मैं देखूं कि 1556 में, 1556 में जब अकबर के पिता की मृत्यु हो गई तो उसकी उम्र मात्र और मात्र 13 से लेकर 13 13.5 साल तक होगी। 13 साढ़े 13 साल होगी, 13 साल 6 महीने, 13 साल 5 महीने, पूरा 14 कंप्लीट नहीं था। तो 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के दरबार में जो ज्यादातर काम हुए थे वो बैरम खाने अपने नाम से किए थे। किस नाम से? बैरम खाने। तो अकबर का जो संरक्षक हुआ करता था वो बैरम खां था। कौन था? बैरम खान। और ये बैरम खां भी बहुत बढ़िया व्यक्ति था। बैरम खां चाहता तो अकबर की हत्या करके हिंदुस्तान पर कोई एक नया वंश चला सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य को ही आगे बढ़ाने दिया। इसने कोई ऐसा काम नहीं किया। चलिए अगला प्रश्न देखो, देखो को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया। औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बनाया था, आप जानते हो, औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया। मैंने पढ़ाया हुआ सवाल है परसों की, अभी 3-4 दिन पहले सवाल क्लास में मैंने आपको कराया था कि औरंगजेब क्या मेरे भाई? औरंगजेब, औरंगजेब, मैंने जब ये कहा था कि ऐसी औलाद से तो ना औलाद हो तो बढ़िया है, जो औलाद अपने बाप की हत्या कर रही है, जो औलाद अपने बाप को बंदी बना रही है, इससे तो औलाद ना हो तो बढ़िया यार, कम से कम समाज में नाम तो गंदा ना होगा। तो भैया हुआ क्या, ये जो औरंगजेब था, इस औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना दिया, समझ रहे हो आप, अपने पिता को बंदी। और पिता कौन हुआ करते थे इनके? पिता का नाम हुआ करता था बेचारे का शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। और ये भी आपको बता दूं, इनके बचपन का नाम हुआ करता था, बचपन का नाम था इनका शहजादा खुर्रम। इनके बचपन का नाम खुर्रम हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब ने जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें बंदी बना लिया, समझ रहे हो ना। और बंदी बनाने के बाद में इन्होंने अपना जीवन बिचारों ने वहीं व्यतीत कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? ईमानदारी से कह दो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया, ईमानदारी से कहो कि आपको ये क्वेश्चन नहीं कराए हैं हमने, एक एक प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है कि बताइएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? देखो मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, आप जिस चीज का जितना ज्यादा विरोध करोगे वो चीज आपको उतना ही ज्यादा परेशान करेगी। यदि आप अपने बच्चे पर ज्यादा टोंच कसते हैं, उसका मोबाइल बार बार चेक करते हैं, तो समझ लो भाई साहब आपको शक है बच्चा बिगड़ने वाला, तो बच्चा और जल्दी बिगड़ेगा। तो जिस चीज को आप बिल्कुल फ्रेंकली छोड़ दीजिएगा, खुला खेलने दीजिएगा, वो कभी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि जो शर्म होती है ना वो आंखों की होती है। डांटने मारने पीटने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो ये जो आपके सामने एक व्यक्ति था जिसका नाम था औरंगजेब, क्या नाम था? औरंगजेब। अब आप जानते हैं औरंगजेब के बारे में, मैं 2-3 बातें बताऊंगा।
औरंगजेब के बारे में मैं आपको दो तीन बातें बताऊंगा। एक तो ये कि इसे जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे जिंदा पीर कहते हैं। दो बार इसका राज्याभिषेक हुआ। दूसरी बात क्या है मेरे भाई, आपको बता दूं, इसने संगीत पर प्रतिबंध लगाया। किस पर? संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि संगीत पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो मेरे भाई वो लगाया था आपके औरंगजेब ने। इतिहास लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पे लगा दिया? इतिहास लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया। और आप जानते हैं ये सबसे अधिक हिंदू को इसी के समय में मुस्लिम बनाया गया था या मार दिया गया था, लेकिन इसके समय में ही सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे। इसी के समय में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे, लगभग लगभग 33%। तो वही कह रहा हूं, जिस चीज का जितना ज्यादा विरोध करोगे वो चीज आपको उतना ही ज्यादा परेशान करेगी। अगला पॉइंट देखो, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? भाई साहब, अगर आप इस सवाल का जवाब ना दे पाए तो मेरा पढ़ाना बिल्कुल बेकार है। यदि आप नहीं बता पाए कि बताइएगा लाल किले का निर्माण किसने कराया, तो बेकार है भाई साहब। कोई भी बच्चा बताए कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, बोलो भैया, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी जानते हैं कि लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आप जानते हैं जामा मस्जिद, आप जानते हैं बच्चे, जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। आगरे के ताजमहल का निर्माण भी, आप बता दें यहां पर, आगरे में ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। अगला पॉइंट, भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है? ये सवाल तो भैया पढ़ाया आपको, ये सवाल तो आपको पढ़ा चुका हूं कि भारत में बीबी का मकबरा कहां पर है। मेरे दिल के टुकड़ों, आप ईमानदारी से कह दीजिएगा, क्या आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया था कि भारत में बीबी का मकबरा कहां पर है? अरे भैया, ये बीबी कौन थी? तो पहले बीबी का नाम तो जान लीजिएगा। बीबी का नाम हुआ करता था राविया दोरानी। क्या हुआ करता था? राविया दोरानी, या फिर इसे जाना जाता है दिलरास बानो बेगम के नाम से। दिलरास बानो बेगम के नाम से जाना जाता है। दिलरास बानो बेगम के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई भाई? दिलरास बानो बेगम के नाम से जाना जाता है। इसी की याद में क्या बनवाया गया था? इसी की याद में दूसरा ताजमहल बनवाया गया था। क्या बनवाया गया था? दूसरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। ये औरंगजेब की पत्नी थी, औरंगजेब ने बनवाया था। ये कहां पर है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में है। मुझे उम्मीद है कि सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अगला देखो, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? मानता हूं अभी मराठे वाला टॉपिक रह रहा है, मानता हूं मराठे वाला टॉपिक रह रहा है भैया, लेकिन कोई बात नहीं है भैया, पढ़ना है तो सारे काम तो करने पड़ेंगे। एक दो क्वेश्चन तो बाहर का आएगा ही, कोई बात नहीं है। आपको बता दें भाई साहब, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। कब हुआ था? 1674 में हुआ था। आप जानते हैं 1674 में गंगा भट्ट किसके द्वारा किया गया था? प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगा भट्ट जी के द्वारा किया गया था। आप जानते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 में हुई थी। यानी कि एक पॉइंट तो ये कि 1674 में गंगा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक किया था। दूसरी बात यह है कि 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे जो भी पूछता हो, राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन हुआ करते थे? Who was the founder of अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन हुआ करते थे? ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। कौन बच्चा इस प्रश्न का सबसे जल्दी जवाब देगा? जवाब तो सभी दे सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जल्दी कौन देगा। देखिए, सर आगा खां का कोई मतलब नहीं था,
मौलाना सिबली का तुमने नाम ही नहीं सुना होगा भैया। आंसर क्या जाएगा? सर सैयद अहमद खां। ठीक है, एक आपसे एक पुस्तक पूछ रहा हूं, यदि किसी को पता हो तो बताना है। इंडियन मुसलमान, इंडियन मुसलमान, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आराम से कमेंट बॉक्स करके बताना, ऑफलाइन कमेंट करना और मुझे बताना कि ये जो इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक थी, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? इंडियन मुसलमान पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? जो भी बच्चा बताएगा नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल, उसका नाम 101% लियो जाएगा। अगला देखिएगा भैया, चलिए आपको बताना है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन हुआ करता था? समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन हुआ करता था? बोलो भाई साहब। बोलिएगा भैया, केसरी के संस्थापक कौन हुआ करते थे? कोई बच्चा बताए, कोई भी एक भी मेरा दोस्त, कौन हुआ करते थे? केसरी के संस्थापक कौन हुआ करते थे? बच्चे आपको बता दूं, यहां से आंसर तो आ जाएगा आपका लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक आ गया आपका आंसर। लेकिन मैं दो बातें बताना चाहूंगा आपको, यहां आपकी एक एक बुक बता दूं आपको, जो महात्मा गांधी है उन्होंने लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई माई एक्सपेरिमेंट यानी कि सत्य के लिए मेरे द्वारा किए गए प्रयोग, इन्होंने लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इनकी पुस्तक का नाम यदि किसी को पता हो तो मुझे बता देना कि इनकी बुक का नाम क्या था। अगला पॉइंट देख लो भाई साहब, अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस नेता को या किस व्यक्ति को, वैसे नेता ही कहा जाता है, कांग्रेसी नेता थे, जिन्हें महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? अब क्यों, आखिर इन्हें क्यों कांग्रेस का नेता कहा गया? पहली बात तो ये आती है बेटा, कांग्रेस का नेता इसलिए कहा गया क्योंकि ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। कितनी बार? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। बात क्लियर है? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। वो किसको कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किस व्यक्ति को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? उनका नाम किसी व्यक्ति को पता हो तो बताने की चेष्टा करें। भैया नाम हुआ करता था उनका दादाभाई नेहरू जी। क्या नाम था? दादाभाई नेहरू जी। आपको बता दूं, विदेशी पार्लियामेंट में, मतलब विदेशी संसद में एमपी बनने वाले पहले भारतीय थे। क्या थे भैया? एमपी बनने वाले पहले भारतीय दादाभाई नरोजी थे। अगला पॉइंट ये रहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये रचना किसके द्वारा की गई थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर का, ऐसे बोलते हैं कुछ, मेरे पूरी लाइन याद नहीं है, बाजुओं के दिल में है। ठीक है, किसके द्वारा है? भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए आप सभी जानते हैं, इन प्रश्नों में से यदि मैं बात करूं तो 3 व्यक्तियों को फांसी दी गई है, इनमें से 3 को फांसी दी गई है, किस एक को फांसी नहीं दी गई? कोई बच्चा बता सकता है? तो भैया आंख बंद करके लिखना, चंद्रशेखर आजाद जी को फांसी नहीं दी गई थी, इन्होंने मजबूरी में आकर अपने आप को गोली मारी थी, क्योंकि ये विदेशी गोली से मरना भी नहीं चाहते थे, अपनी धरती पर मरना चाहते थे, अपने पास जब एक ही गोली बची तो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक है, भगत सिंह आप जानते हैं, इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस, भारत में सबसे कम उम्र के, भारत में
कम उम्र के लड़के को फांसी दी गई थी? और भैया आंसर आ जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। और राम प्रसाद बिस्मिल की यदि मैं बात करूं तो इन्हें 1925 में फांसी दी गई थी। कब? 1925 में फांसी दी गई थी, 1925 में इन्हें फांसी दी गई थी। अब 1925 में किस किस को फांसी दी गई थी भैया? आज शायद 30 ही क्वेश्चन हो पाए देंगे, देखते हैं 30 में तुम कितना देखोगे। 1925 में किस किस को फांसी हो पाई थी भैया? फांसी हो गई थी आपकी अशफाक उल्ला खां को, अशफाक उल्ला खां को, रोशन सिंह को, राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन राजेंद्र लाहड़ी को। इन सभी को 1925 में फांसी दी गई थी, इन सभी को 1925 में फांसी दी गई थी। और फांसी देने का कारण था 1925 में काकोरी रेल डकैती, 1925 में काकोरी रेल डकैती मेरे भाई, काकोरी रेल डकैती इन्होंने ही की थी। आंसर आ गया आपका डी। अगला पॉइंट ये रहा, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था? अभी बताया आपको मैंने, जब आपको मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रहा था कि हिंदुस्तान में सती प्रथा को रोकने का जो सबसे पहला काम किया था वो तुगलक डायनेस्टी के एक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने काम किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। लेकिन जब तक वो जिंदा रहा तब तक सती प्रथा नहीं रही, लेकिन उसके बाद अकबर ने भी इस पे काम किया था सती प्रथा को रोकने का, लेकिन ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाए थे। पूर्णतः सफल कब होंगे? 1829 में। और 1829 में करने वाला कौन था? वो 1829 में करने वाला कौन था भाई साहब? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बस आप ये बात ध्यान रखना, इनका सहयोग किसने किया था, यानी कि राजा राम मोहन राय। बच्चे आप जरूर लिख लेना कि इनका सहयोग राजा राम मोहन राय, इनका जो सहयोग किया गया था वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल आपके सामने ये रहा भाई, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन बताएगा इस प्रश्न का जवाब? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अरे यार तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो हैं? दिल के टुकड़ो, तुम तो आप भटाक देसी इस प्रश्न का जवाब दे देना चाहिए। ऐसे सवालों को तो भाई जैसे ही मास्टर जी पूछें वैसे ही उत्तर आ जाना चाहिए। तो आपको बताना है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दिल के टुकड़ो पहले यहां आ जाओ। यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस की स्थापना कब हुई भैया? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। बात क्लियर हो जाती है? दूसरी बात, उसके पहले जो अध्यक्ष बने थे, वो पहले अध्यक्ष थे ब्योमेश चंद बनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं WC बनर्जी। आजादी से पहले यानी कि 1885 से लेकर 1947 तक सिर्फ 3 महिला अध्यक्ष बनी थी। कितनी बनी थी? 3 महिला अध्यक्ष बनी थी, जिसमें एक बनी थी 1917 में, और फिर हर 8 साल पे एक महिला बनेगी। 1917 के बाद हर 8 साल पे एक महिला बनेगी। बात क्लियर है मेरे भाई? यानी कि 1917 तक तो एक भी महिला नहीं थी, और 1917 के बाद में हर 8 साल बाद एक महिला बनेगी। तो 1917 में जो महिला बनी, 1917 में जो महिला बनी थी उसका नाम था मेरे भाई एनी बेसेंट। लेकिन यह ध्यान रखना, ये भारतीय महिला नहीं थी, ये भारतीय महिला नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई कैसी महिला हुआ करती थी? ये विदेशी महिला थी, ये भारतीय महिला नहीं थी। समझ रहे हो ना बच्चों? एक मिनट वेट करो, जरा कॉल आ रही किसी की। ये भारतीय महिला नहीं थी, ये कैसी महिला थी? ये विदेशी महिला थी। यानी कि 1917 में पहली महिला कांग्रेस की जो बनी थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन इसके बाद में यदि आपसे पूछता हो कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, उस लड़की का नाम बताइए, उस महिला का नाम बताइएगा जो भारत की हो, तो आप जवाब देंगे कि 1917 से लेकर और 1947 तक आज तक सिर्फ 2 बार हुआ था ऐसा कि जब आपके देश में हिंदुस्तान की महिला अध्यक्ष बनी हो। एक बनी
बनी थी 1925 में, मैंने बताया ना हर 8 साल बाद, एक 1900 बनी थी 25 में और फिर 8 जोड़ो 1933 में, यानी कि यहां बनेगी सरोजनी नायडू और यहां बनेगी कौन, नीलनी सेन गुप्ता। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है आप इस सवाल को भी अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत यहां नहीं हुई होगी। बताओ बच्चों क्लियर है, क्लियर है नहीं? अरे क्लियर चलने वाले, ओहो चलो भैया अगला प्रश्न देखिए। भारतीय कांग्रेस का, ओए होए, भारतीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था बताओ बच्चों, भारतीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, क्या आएगा इस प्रश्न का जवाब? भारतीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो आप बताएंगे मेरे भाई, देखो 3-4 सवाल पूछ सकता है, पहले मुस्लिम पूछ सकता है, पहले ईसाई पूछ सकता है, पहले हिंदू पूछ सकता है। तो भैया आपको सारी चीज बता दूं, ये WC बनर्जी थे, ये कौन थे भाई साहब आपका, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये कौन थे, जार्जियुल थे, आपके बिल्कुल क्लियर हो गया, अब जो भी पूछे लगा देना बदरुद्दीन तैयब, आंसर आ गया। बोलो भैया ये क्लियर हुई सारी बातें, नहीं क्लियर चलनी है सारी बातें। अगला पॉइंट देख लीजिएगा, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा, गढ़ा का मतलब है कि पाकिस्तान नाम की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई, समझ रहे हो ना, पाकिस्तान नाम को किसने सोचा, किसने पाकिस्तान नाम को दिया, वो कौन व्यक्ति था, जल्दी बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल नहीं है, फजूल अलक बिल्कुल नहीं है, लियाकत अली खान बिल्कुल नहीं है, तो एक ही बनता है चौधरी रहमत अली, क्या बनता है, यानी कि पाकिस्तान नाम जो गढ़ा था वो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे तब इन्होंने नाम दिया था। अगला देखिए, कलकत्ता मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालयों में किस वायसराय के काल में अस्तित्व में आए थे, अरे भैया आप जानते हैं इसका जवाब तो बड़ा अच्छा सा है, बड़ा तकड़ा जवाब है उस व्यक्ति का, उसने भारत में बहुत सारे काम होते देखे हैं, जल्दी बताइएगा। ये बात 1862 की है और 62 के आसपास कौन हमारे देश के गवर्नर हुआ करते थे, वायसराय हुआ करते थे, आप जानते हैं 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी, 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी, विधवा विवाह पुनर्विवाह हाईकोर्ट एक्ट, ये सारे के सारे लॉर्ड केनिंग के समय की कहानी है, किसकी है ये लिख देता हूं मैं आपको, इसी के समय में विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम ये भी इसी के समय में सही शुरू हुआ था 1856 में, 1857 की क्रांति वो भी इसी के समय में शुरू हुई थी, 1857 की क्रांति, और भाई साहब कलकत्ता मद्रास बंबई उच्च न्यायालयों की स्थापना भी इसी के समय में हुई थी, और तो और IPC इंडियन पैनल कोड जो है आपका भारतीय दंड संहिता वो 1860 में बनी थी और 1862 में लागू हुई थी, वो भी इसी के समय की है, वो भी क्या है भैया, वो भी इसी के समय की है। क्लियर है यहां तक, सब कुछ क्लियर चल रहा है? अब बताओ किस बच्चे को कोई डाउट हो, 30% हो चुके हैं, कितना आपका स्कोर रहा, 2 सवाल और बचे हैं और दिखा देता हूं। देखिए बाल गंगाधर तिलक किसको अपना राजनीतिक गुरु माना करते थे, आप मुझे कमेंट करके आंसर देना, आप मुझे कमेंट करके जवाब देना कि भाई साहब आपका स्कोर कितना रहा आज, और बाल गंगाधर तिलक किसको अपना राजनीतिक गुरु माना, सॉरी रहा राजनीतिक, आप किसको राजनीतिक गुरु माना करते थे ये आपको बताना है, दादाभाई नौरोजी, श्री कुमार घोष, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद, बता देंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं बताएंगे तो परसों की क्लास में हम आए के आपको बताएंगे, मतलब कल की क्लास में। अगला पॉइंट देखो भैया, अगला देख लीजिएगा बस, चटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था, ये घटना कब की है, ये घटना है 1932 की, कब की है 1932 की घटना है, जब चटगांव जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, चटगांव शास्त्रागार हमला, यानी कि जहां इनके शस्त्र रखे थे उनको लूटने की प्लानिंग थी, वो किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। तो मेरे भाई ये की गई थी।